हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सो दिस इज डॉक्टर सैयद कलीम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास सैन एंटोनियो। टुडे विल टॉक अबाउट अ चैप्टर 20, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। जस्ट लाइक ब्रीफ ओवरव्यू, ये सेल दिखाया गया है, दरमियान में न्यूक्लियस है, और अगर न्यूक्लियस के अंदर ही तो सारी चीज़ें पड़ी हैं मज़े मज़े की, तो उसमें क्या ये क्या चीज़ें छोटे छोटे, ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम में बेसिकली जीन्स दिखाए गए हैं, जीन से आगे डीएनए का स्ट्रक्चर है। लेट्स डू सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर वन, द सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड व्हाट? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, सेंट्रल डॉगमा। मैसेंजर आरएनए का डीएनए से बनना क्या कहलाता है? दैट्स राइट, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इज द कन्वर्जन ऑफ डीएनए इन टू मैसेंजर आरएनए, एंड ट्रांसलेशन इज द कन्वर्जन ऑफ मैसेंजर आरएनए इन टू द प्रोटीन। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि उन्होंने आपको एग्जाम में चेक करना है। फिर याद रखिए, डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्ट, ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसलेशन इज द कन्वर्जन ऑफ मैसेंजर आरएनए इन टू द प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल बीइंग कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन्स। सेंट्रल डॉगमा इंक्लूड्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, दोनों प्रोसेस मिला के कहते हैं। अब इसको पिक्चर को देखें, क्या दिखाने की कोशिश की है। दिस इज डीएनए, दिस इज आरएनए, दिस इज प्रोटीन। ओके, वी गॉट इट। सो डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन, डीएनए का डीएनए बना देना रेप्लिकेशन, डीएनए का मैसेंजर आरएनए बना देना ट्रांसक्रिप्शन। फिर सुन, फिर ट्रांसक्रिप्शन डीएनए का आरएनए में को बना देना ट्रांसक्रिप्शन, और मैसेंजर आरएनए से क्या बन जाना, ये सारे देखो ना अमीनो एसिड है, प्रोटीन बन जाएगी, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। कितने क्वेश्चन आपको बोर्ड में आएंगे? एक तो है व्हाट इज रेप्लिकेशन डीएनए टू डीएनए, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन डीएनए टू आरएनए, व्हाट इज ट्रांसलेशन आरएनए टू प्रोटीन। ओके, एंड देन सेंट्रल डॉगमा। ये आपके 3, 4, 5 क्वेश्चन ऐसे ही आने एग्जाम में, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड पायरामिडीन्स? पायरामिडीन कौन सी हैं इसमें से? सी यू ए, टी यू सी, ए टी जी, जी यू सी। दैट्स राइट। सो पायरामिडीन्स आर क्लासिफाइड एज थायमीन, यूरोसिल एंड साइटोसिन, एंड प्यूरिन्स आर बेसिस लाइक एडिनिन एंड गवानिन। तो मैंने कैसे याद रखा था प्यूरिन को? ए जी, प्यूरिन्स ए जी, और बाकी जो तीन हैं वो किस में चली जाएंगी? पायरामिडीन में। इनके स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं। अब कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपको ये डायग्राम दे और आपने उसमें से डिफ्रेंशिएट करना हो। और मैंने पायरामिडीन का कैसे याद रखा था? जैसे कट, सी यू टी, सी यू टी, और उसका कैसे मैंने याद रखा था पायर प्यूरिन्स का? ए जी। दीज आर दी प्यूरिन्स, दीज आर दी पायरामिडीन्स। गुड जॉब। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज शोन इन द पिक्चर? टेलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक या मेट्रोसेंट्रिक? व्हाट डू यू थिंक? दैट्स राइट, एक्रोसेंट्रिक। सो एन एक्रोसेंट्रिक सेंट्रोसोम हैज अ सेंट्रोमेयर नियर द एंड ऑफ द क्रोमेटिड। टेलोसेंट्रिक सेंट्रोमेयर आर प्लेस एट द एंड्स ऑफ द क्रोमेटिड। टेलोसेंट्रिक कहाँ पे? यहाँ पे, जो एंड पे है, कुछ भी चीज़ ना बचे, टेलोसेंट्रिक। एक्रोसेंटर है जो कि एक साइड पे थोड़ा सा उसका जो सेंट्रोमेयर है वो उसके एंड के करीब है, और सब मेटासेंट्रिक नियर द मिडल। सब मेटासेंट्रिक जो मिडल में, उसको कहते हैं मेटा, कहते हैं मिडल को, और उससे जो थोड़ा सा ऊपर चलेगा उसको सब मेटा कह दो, और उससे और ऊपर चले जाएगा एक्रो कह दो, और ऊपर चले जाएगा कुछ हो ही ना तो उसको टीलोसेंट्रिक। ये भी आपको किसी तरीके से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी पिक्चर से। देयर लाइक एट लीस्ट लाइक 4-5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज द हाईली कंडेंस्ड पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड? ऑप्शंस आर न्यूक्लियोसोम, कैरियोटाइप, हेट्रोक्रोमेटिन या यूक्रोमेटिन।
जो सबसे ज्यादा कंडेंस फॉर्म होती है, हीटरोक्रोमेटिन। सो हीटरोक्रोमेटिन इज द हाईली कंडेंस पोर्शन ऑफ क्रोमेटिन। सम ऑफ द पोर्शन रिमेन परमानेंटली कंडेंस सो द डीएनए इज नेवर एक्सप्रेस्ड। ओके, अब इसको देखो, ये दीज है टीलोमेयर्स है जो एंड पे हैं, और ये क्या है, यूक्रोमेटिन है, ये साथ में सेंट्रोमेयर है, और ऑरेंज कलर्ड रीजन इंडिकेट हेटरोक्रोमेटिन। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज दैट रिड्यूसेस द एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू कैरी ऑक्सीजन। ये कौन सी एक ऐसी डिजीज है जिसमें हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी ऑक्सीजन को कैरी करने की कम हो जाती है। दी ऑप्शन आर फिनाइल कीटोन यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, डैक्टाइलाइटिस और सोरियाटिक आर्थराइटिस। दी ऑप्शन इज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि रेड ब्लड सेल बजाय कि वो अपनी कनकेव शक्ल के, वो किस तरह के होते हैं, जैसे कि आप देखें किस तरीके की शक्ल होगी, जस्ट लाइक अब लॉन्ग शेप्ड हो गए हैं या लंबे लंबे हो गए हैं या कैसे हो गए, सिकल जैसा, सिकल नहीं होता जैसे, जिसको हम क्या पंजाबी में कहते हैं कि दातरी, जिससे चीज़ें काटते हैं, जिससे फसल काटी जाती है, सिकल हो गए, और उसकी वजह से वो क्या करते हैं, ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देते हैं। बहुत पेन होती है इस पेशेंट को, तो उसको हॉस्पिटल में रखना पड़ता है और मेडिसिन देनी पड़ती है। ओके, सो सिकल सेल डिजीज इज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर दैट कॉज रेड सेल टू ब्रेक डाउन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, यू गाइस कैन कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, अ गुड थिंग टू शेयर। If you want to attend my live video lecture, you can visit a city called Shadra, Matches Factory Jalal Center, or you guys can visit Campus 2, which is located at Shadra Station. Also get more information on this number. Take care. Study for yourself. Study for your country.